छतरपुर के नौगांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर पालिका की टीम बिना अतिक्रमण हटाए ही वापस लौट गई। जानकारी के अनुसार नगर पालिका की टीम सब्जी मंडी का अतिक्रमण हटाने पहुंची तो वारी पुलिस बल के साथ थी, लेकिन राजस्व विभाग का अमला न पहुंचने के कारण ही अतिक्रमण हटाने वाली पूरी टीम बगैर अतिक्रमण हटा ही लौट गई। वहीं जब इस मामले में सीएमओ बसंत चतुर्वेदी से बात की गई तो उनका कहना था कि एसडीएम और तहसीलदार के निर्देशानुसार लोगों को पहले कुछ दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और जब तय समय सीमा में अतिक्रमण नहीं हटेगा तब कार्यवाही की जाएगी। पालिका ने पूर्व में यहाँ पे जो सब्जी मंडी है वो बना दी है, लेकिन ये लोग क्या है वहाँ ना बैठ के यहाँ वहाँ फुटकर बैठ रहे हैं। पूर्व में हमारे यहाँ से नगर पालिका द्वारा कई दो बार सूचना भी करा दी, इन लोगों को अनाउंस भी कराया गया, आप लोगों के माध्यम से भी लोगों को सूचना दी गई है और आज ये अंतिम चेतावनी इन लोगों को दी जा रही है आप लोगों के माध्यम से भी, और साफ लोग खड़े हुए हैं। यदि आज का ये लोग यहीं से रखते हैं हंगामे भी तो इनकी जब्ती से कार्रवाई की जाएगी, जब्ती की जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब अल्टीमेटम ही दिया जाना था तो नगर पालिका पुलिस प्रशासन के साथ अतिक्रमण हटाने आखिर पहुंचा ही क्यों था। नौगांव से कपिल मिश्रा की रिपोर्ट। बैठने नहीं देते हम, इतनी सी डलिया ले आओ, हमारी सब सब्जी में एकदम डलिया में एकदम सभी रोड पे में नहीं ने में एकदम जी आई में पड़ोस वाले स्कूल वालों का लगा है स्कूल वाले ने तो में एकदम। अच्छा तो आज जो जगह दी गई है सब्जी मंडी में वहां क्यों नहीं बैठे? वहां फिर बिकता ही नहीं है, होते कम हमारी बोनी ही नहीं होते, सुमारी थी आगे है थोक मंडी है आगे सुबह वो से ले लेके भाग जात। भैया ये थी कि सीएमओ साहब ने एक पत्र जारी किया था अतिक्रमण हटाने के लिए, पर चूँकि नौगांव में विवाद इस पर स्थिति बन सकती थी, उसमें किसी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट का होना बहुत आवश्यक था। पहले हमारी समझ में नहीं था कि कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को सीएमओ द्वारा सूचना नहीं दी गई थी, और उनसे जब मैंने बातचीत की मोबाइल पे तो उन्होंने कहा मैं बिजी हूँ, और ऐसी स्थिति में पुलिस अतिक्रमण को हटाती और कहीं किसी प्रकार कि घटना दुर्घटना होती तो उसमें पुलिस पार्टी बनती और जिसमें वरिष्ठ अधिकारी भी आपत्ति जाहिर करते कि बिना कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के नौगांव में जाकर अतिक्रमण हटाना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए सीएमओ को कहा कि कोई कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के लिए पत्र जारी करे उसके बाद अतिक्रमण हटाना उचित होगा। इसी को लेकर मैं वापस आ गया, फोर्स को लेकर वापस आ गया।